देश की राजधानी दिल्ली के धौलाकुआ से दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकवादी संगठन आईसिस से कथित रूप से जुड़े एक व्यक्ति को आईईडी के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने रिज रोड इलाके से ये गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ खान के रूप में हुई है। पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद शुक्रवार की रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। साथ ही राजधानी में एनएसजी को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया, धौलाकुआ और करोलबाग के बीच रिज रोड पर मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यूसुफ ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। एनएसजी के लोगों ने जानकारी दी कि अब्दुल एक अपाचे बाइक पर आया था। बाइक का नंबर यूपी में रजिस्टर्ड है। उसके पास से दो प्रेशर कुकर में आईईडी और करीब 15 किलो विस्फोटक मिला है। यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 6 जगहों पर छापेमारी की गई। यूपी के गाजियाबाद में भी छापेमारी की गई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अब हाई अलर्ट है। यूपी एटीएस के अधिकारी दिल्ली स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच चुके हैं और यूसुफ से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।